हाय एवरीवन अब बात करने वाले हैं पी के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स के बारे में और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के अंदर तो पूछा जाता जाता है जब भी आप पी का प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आपको बहुत बार लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा ग्लोबल की भी होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा उसका यूज भी करना पड़ेगा सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान से समझना अच्छे से देखना सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हो सकता है अभी के लिए आपको ये वाला पॉइंट समझ में ना आया हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बट कोई बात नहीं जैसे ही आपको ये दोनों फर्स्ट वाले दोनों पॉइंट समझ में आएंगे ना थर्ड वाला पॉइंट आपको अपने आप समझ में आ जाएगा फिर हम लोग बात करने वाले हैं नेस्टेड फंक्शन के अंदर ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स को किस तरीके से यूज कर सकते हैं कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं ये हमारी पी की प्ले है फिफ्टी वन वीडियोज आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी उनके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में इंटरव्यूज में काफी हेल्प करने वाले ओवरऑल इंपॉर्टेंट प्ले है पूरी प्ले देखना लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है राइट right, अब बात करते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में पहले डेफिनेशन बताऊंगा थ्योरेटिकली फिर हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझेंगे लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जब आप एक फंक्शन बनाते हो और उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर लेते हो तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ करा जा सकता है उसके बाहर यूज करा नहीं जा सकता फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं कि यह हमारा एक लोकल वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के बाहर uh, करे जाते हैं फंक्शन के बाहर बनाए जाते हैं और आप उनको कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो फंक्शन uh, के अंदर भी फंक्शन के बाहर ही पूरे प्रोजेक्ट में जहां भी आपका मन करे वहां पे उनको एक्सेस कर सकते हो इसलिए बोला जाता है कि ग्लोबल है यानी कि पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेसिबल है लोकल का मतलब है कि एक फंक्शन के अंदर ही उनको एक्सेस कर सकते हैं इसलिए उनको लोकल बोला जाता है ठीक है राइट right, अब इनका छोटा छोटा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ फंक्शन बनाता हूँ मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने रखा गेट नेम करके ध्यान से समझना जो जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे तो यहाँ पे रखता हूँ डॉलर नेम एक वेरिएबल दिया जिसका नाम मैंने रखा यहाँ पे अनिल कोई दिक्कत नहीं है एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ करवा देता हूँ इसको डॉलर नेम ठीक है हमारा एक लोकल वेरिएबल है डॉलर नेम बिकॉज क्यों क्योंकि ये एक फंक्शन के अंदर हम लोगों ने बनाया इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं है अब एक्सेसिबल नहीं है कैसे पता चलेगा अभी एक मिनट में बताऊंगा पहले इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं मैंने गेट नेम करा अभी हमें पता है कि आउटपुट क्या देगा अनिल ही देगा डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है बट हमने कहां पे इसको करवाया उस फंक्शन के अंदर वेरिएबल को फंक्शन के अंदर ही बनाया गया है और उसके अंदर ही इसको प्रिंट करवाया गया है। अगर मैं इस लाइन को उठा के यहां पे रख दूक ये प्रिंट होगा जी नहीं यहां पे देखो इसने बता दिया लाइन नंबर सेवन बताई लाइन नंबर सेवन और अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम बिकॉज ये जो डॉलर नेम है ना ये कहां पे है नेम के गेट नेम के अंदर ही तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं एक लोकल वेरिएबल ये फंक्शन का लोकल वेरिएबल है ठीक है जी अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं और उसके बाद में वो कंपैरिजन करके देखेंगे इसके हाथ थोड़ी सा इनके साथ थोड़ा सा खेल के देखेंगे ट्रिक्स देखेंगे इनके साथ में ठीक है तो अब मैंने क्या करा यहाँ पे डॉलर नेम को बाहर इस तरीके से रखा ग्लोबली रख दिया और अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूं तो अब ये काम कर रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है है लेट्स सी देखो अनिल ये काम कर रहा ठीक है, है? है? बिकॉज ये एक ग्लोबल वेरिएबल है ये बाहर डिक्लेयर है फंक्शन से जब आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी जब आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाओगे तो उस ग्लोबल वेरिएबल को पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो आप ठीक है जी आगे क्लियरिटी अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं जो कि इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती है आप ना एक ग्लोबल और एक लोकल वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल सेम नाम से भी बना सकते हो कैसे मैं आपको दिखाता हूं मैंने यहां पे क्या रखा डॉलर नेम अनिल और यहां पे प्रिंट भी हो रहा है ठीक है अब मैं यहां पे क्या करता हूं डॉलर नेम और इसका यहां पर नाम रखता हूं पीटर राइट right? और अब मैं यहां पर करता हूं डॉलर यहां पर देता हूं लोकल वेर इस तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए और यहां पर कर देता हूं डॉलर ने ठीक है इसको लगाया एंड इसको रन करके देखते हैं तो सबसे पहले अच्छा मैं यहाँ पे बी आर भी लगा देता हूँ ना एक बी आर टैग ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे आपको भी चीजें आराम से समझ में आए अरे यार ये कहाँ लगा दिया हम लोगों ने अच्छा ये फंक्शन बाद में कॉलर है सॉरी इसको इसके बाद लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं ठीक है अब चलेगा हाँ तो देखो सबसे पहले हमारा जो ग्लोबल वाला प्रिंट हुआ उसके बाद में गेट ने वाला फंक्शन कॉल कराए और यहाँ पे क्या हुआ पीटर प्रिंट हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो सो so, देखो एक लोकल वेरिएबल ये वाला एक ग्लोबल वेरिएबल दोनों का नाम सेम हो सकता है दोनों के अंदर अगर वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है सेम है जो भी वो लोकल वाली वैल्यू ही डिस्प्ले करने वाले हैं ऑल राइट अच्छा जी अब एक काम और करते हैं मैंने इस वाले को हटा दिया यहां से

मैं आपको बताता हूं आपको सिंपली क्या करना है उस फंक्शन के अंदर जाके लिखना है ग्लोबल इसको ग्लोबल की बोलते हैं और उसके बाद में डॉलर नेम इसका मतलब यह है कि अब ना जो इस फंक्शन के अंदर डॉलर नेम यूज हो रहा है वो बाहर वाला जो नेम है ना वही यूज होगा अब इसको सेव कर दिया मैंने अब इसको मैं देखो यहां पे देखो बाहर भी अनिल और अंदर भी अनिल तो ये जो बाहर वाला ग्लोबल फंक्शन बनाया था ना ग्लोबल uh, वेरिएबल बनाया था ना वो अब अंदर यूज हो रहा है ऑलराइट क्लैरिटी right? मिली आपको तो so, किस तरीके से ये थर्ड वाला पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, था ना कि हाउ टू गेट ग्लोबल वेरिएबल इन साइड अ फंक्शन ठीक है तो अगर आपको एक ग्लोबल फंक्शन है उसको एक ग्लोबल वेरिएबल uh, उसको फंक्शन के अंदर यूज है तो इस तरीके से यूज कर सकते हो बट आप बोलोगे क्या हमें ऐसे ही एक बस यही तरीका और कोई तरीका नहीं है तरीका है ऐसा नहीं कि तरीका नहीं है आप ना यहां से इस फंक्शन के अंदर भी तो पास करते थे पहले डॉलर नेम राइट और इसके अंदर मैं डॉलर नेम इस तरीके से यूज करूंगा तो स्टिल ये काम करेगा ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा देखो अभी भी काम कर रहा है बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना पैरामीटर पास नहीं कर पाते डायरेक्टली एक्सेस करना पड़ जाता है हमें एक वेरिएबल तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है डॉलर नेम से पहले ग्लोबल वाला की लगा दो और वो जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है लोकली आपका काम आ जाएगा ठीक है जी ओके सो हम लोगों ने दो तीन चीजें देख ली अभी तक कि लोकल वेरिएबल क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है लोकल वेरिएबल फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते अगर ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है तो ग्लोबल की का यूज़ करना पड़ता है अब एक अलग से क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में जो कि इंटरव्यूज के अंदर भी जाता है कि अब मैं क्या अगर मैं यहां पर लिखता हूं डॉलर नेम और इसमें यहां पर डाल देता हूं पीटर तो क्या ग्लोबल वाला वाला जो वेरिएबल है ये अपडेट होगा कि नहीं होगा आंसर है होगा अब हम लोग यहां पे चलते हैं और आ, मैंने कुछ अच्छा सेमी कोलन बोल गया हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं देखो यहाँ पे ये यह हुआ नहीं अच्छा ये इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ बिकॉज हमने ना फंक्शन बाद में कॉल कर रखा है उसका नाम पहले हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है। तो मैं इस तरीके से कॉल करता हूँ इसको बी आर टैग में इससे पहले लगा देता हूँ तो अब क्या हो रहा है कि पहले हमारा गेट नेम फंक्शन कॉल होगा इसका नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा और बाद में यहाँ पे वाला एक प्रिंट होगा तो अब आप देखोगे अनिल और नीचे भी पीटर और ऊपर भी पीटर बिकॉज हम लोगों ने नाम डिक्लेयर कर दिया था सो so, यस yes, हम लोग एक फंक्शन uh, के अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं अगर हम लोग ग्लोबल की का वहां पे यूज कर रहे हैं तो अदरवाइज नहीं कर सकते ऑल राइट सो और इसमें अगर कुछ बचा हो तो इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर एग्जाम्पल अच्छा नेस्टेड वेरिएबल्स फंक्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है मैं इस सारी भसड़ को एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से ठीक है मैं दोबारा से आपको यहाँ पे नीचे नीचे करके दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ सबसे पहले एक डॉलर नेम लेता हूँ जिसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ अनिल uh, राइट right? तो इसको यहाँ पे एको करेंगे डॉलर नेम हमें पता है कि यहाँ पे क्या प्रिंट करने वाला है यहाँ पे इसने प्रिंट करा अनिल वेरी गुड ये हमारा होगा ग्लोबल अब मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करता हूँ इसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे आ, टेस्ट रख लेता हूँ अभी के लिए एंड uh, टेस्ट रखने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर नेम और इसका मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ पीटर अब मैं अगर इसके अंदर एको करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा डॉलर नेम के अंदर डेफिनेटली सी बात है इसके अंदर मुझे मिलेगा टेस्ट लगा देता हूँ राइट और अब मैं यहाँ पे एको भी कर देता हूँ राइट तो अब हमें पता है कि क्या क्या प्रिंट होने वाला है हमारे पास आ, इसके अंदर हमारे पास पीटर प्रिंट हो जाएगा और बाहर हमारे पास अनिल प्रिंट हो जाएगा एंड वी गो बट अगर मैं यहाँ पे एक और इस फंक्शन के अंदर फंक्शन बना सकता हूँ जी हाँ पी एच पी के अंदर नेस्टेड फंक्शन बना सकते हैं मैं कर देता हूँ इनर टेस्ट राइट और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डॉलर नेम और इसके अंदर मैं डालता हूं यहाँ पे ब्रूस ठीक है अंदर वाला बिल्कुल सबसे and then यहाँ पे मैं एको करता हूँ डॉलर नेम और अब इसके बाद में हम लोग टेस्ट के बाद में इसको कॉल करते हैं इनर टेस्ट इस तरीके से इस फंक्शन को और यहाँ पे एक बी आर टेक भी लगा देते हैं तो अब जो सबसे अंदर वाला है उसमें क्या कॉल होगा रीजन एक ये भी है ना इसको हम लोग कॉल भी तो बाहर कर रहे हैं इसका इसके अंदर क्या होगा डेफिनेटली इसके अंदर आपको अगेन uh, कुछ गड़बड़ करा गया मैंने हाँ सेमी कोलन आ गया ठीक है तो आप देख सकते हो पीटर ब्रूस और नेम सो जो भी हम लोग उसके अंदर डिक्लेयर करेंगे लोकल वेरिएबल के अंदर हमेशा वही मिलेगा और अगर आप लोग इस तरीके से uh, यहाँ पे मान लो ब्रूस यूज नहीं करते हो ठीक है एंड अब इसको क्या करते हो तो प्रिंट करने की कोशिश करते हो तो ये बोलेगा लाइन नंबर ट्वेंटी फाइव के अंदर ये अनडिफाइंड है और यहाँ पे अगर आप लोग तो ग्लोबल नेम लिखने की कोशिश करोगे ना तो यहाँ पे आपको जो सबसे बाहर वाला था ना वो एक्सेस होगा ना कि जो बीच वाला फंक्शन था यानी कि जस्ट ऊपर वाला था वो नहीं एक्सेस होगा सबसे टॉप वाला एक्सेस होगा राइट सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी कुछ कन्फ्यूजन है कुछ डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो एंड देखो आपके लिए लाइक like करना सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देखना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सो प्लीज डू दैट इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आ पाता हूँ थैंक यू वाइज थैंक यू सो मच